मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और जैसा कि कहा था, थोड़ा सा रूटीन चेंज करने की और बढ़ रहे हैं, तो अब धीरे धीरे रूटीन चेंज होने वाला है। तो अब दूसरी तरफ आज पहले कदम है, तो देखते हैं हम कितना आगे बढ़ पाते हैं। और भाई साहब, सुबह का समय है और ये हालत है भैया। सुबह के समय मौसम तो अभी ठीक ठाक ही है, इधर से बन रहा है मौसम बारिश वाला। तो अगर बारिश हो जाती है तो बढ़िया ही है, नहीं तो इतनी तेज़ गर्मी है ना भाई साहब, पूछो मत। क्योंकि कूलर में वापस से पानी चालू हो गया है, जो हमने बंद कर दिया था बिल्कुल ही। बट अब वाकई में कूलर के अंदर अगर पानी नहीं होना तो ऐसे गर्मी लगती है ना, इतनी गंदी गर्मी लगती है जिसकी कोई हद नहीं। बट हवा भी अच्छी चल रही है, तो सबसे बढ़िया ये है कि आज हवा अच्छी चल रही है, तो टेंशन नहीं है, रिलैक्स वाला मामला है। और दिया ऋषभ दोनों गए स्कूल, तो अभी स्टार्टिंग के डेज़ हैं, तो अभी तो कंटिन्यूसली जाएंगे, अभी तो छुट्टी वुट्टी कम ही करेंगे, तो उनको लेने चलेंगे। उनका टाइम हो जाए, अभी है अप्रोक्स 2-2.5 घंटे हैं, तो 2-2.5 घंटे बाद में चलेंगे। जब तक तो आराम, अपन भी थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और एक आधी कोई सीरीज़ या मूवी देखते हैं और इन्जॉय करते हैं, थोड़ा सा टाइम पास करते हैं। और फिर एक दो काम भी है तो वो भी देखने करने, और ब्लॉग मैं एडिट कर ही चुका हूँ जो कि अपलोड भी कर दिया, बस पब्लिक करना है, तो पब्लिक अपन शाम को कर देंगे, उसको ऑन टाइम ऑन एयर कर देंगे, तो जिससे कुछ भी नहीं होगा। मैं डर गया है एकदम से, मैं डर गया यार, ये क्या है, राखी से डर गया एकदम से। मैं देखा कोई जानवर आया, और भाई साहब सीरियसली इतनी बुरी तरीके से झटका लगाना जिसकी कोई आगे नहीं। तो देखते जब भी रहता है कैसा रहा होता है, पहले बता दो। ये देखो इसका, देखो इसका, देखो बोतल ही रख लो, बोले आजा आजा आजा, चल चल चल। आदिया की टांग की चाय कर दी बढ़िया वाली, और दिया नाटक कर दिया। बाहर गए, बाहर 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 चाचा के पास। नहीं नहीं नहीं, तो दोनों बजे बजे में दिया देखने कैसे देखेगी बात। दिया बुला रहे अंदर, दिया दिया आ जा अंदर, नहीं आ रहे, वापिस चले स्कूल, ले चल अंदर, चल चलो अंदर, चलो अंदर, धूप हो रही है ना, चलो अंदर, दोनों जने अंदर चलो, न लायक हो दोनों जने धूप के अंदर, चल नहीं उसको। एड़े पे पेड़ा मिल गया, एड़े पे पेड़ा। धूप में दोनों जने बाहर मस्ती कर रहे थे, और जब ये आते हैं ना तो ऐसे मस्ती करते हैं, खतरनाक वाली मस्ती करते हैं। और भाई अभी आपने देख लिया ना मस्ती कैसी चल रही थी हमारी, तो भाई धूप देखो बाहर, आपको इससे आइडिया हो जाएगा एकदम क्लियर है। थोड़े बहुत जो क्लाउड आए थे वो भी जा चुके हैं, हालत बड़ी बुरी है भाई। तो अब अंदर चलते हैं, कूलर ऑन करते हैं, थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं, अपन भी शांति करते हैं, जिससे ज़्यादा मज़ा आएगा, फिर देखते हैं इनको थोड़ी देर बाद। आप लोगों ने देखा था दोपहर में कितनी तेज़ धूप निकल रही थी, और अब देखो मौसम कैसा हो रखा है। तो भैया मौसम हो गया मस्त घूमने जाने वाला, बट अभी हम कहीं नहीं जा सकते क्योंकि दिया ऋषभ के स्कूल खुल गए हैं, और हन्नी वगैरह सब ऑफिस गए हैं, वो भी नहीं है घर पर। अगर वो घर पर होते तो उनके साथ चले जाते, बट अभी कोई भी नहीं। मन सीरियसली बता रहा, मेरा घूमने जाने का कर रहा है, ऐसा मौसम हो रखा है ना, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो आप समझ सकते हो ठंडी हवा चलती है और मौसम अच्छा होता है तो कैसा मन करता है यार, कहीं ना कहीं निकल जाओ घूमने, और बस आराम से तसल्ली से घूम फिर के आओ, तो वही चीज़ है। बट यार सीरियसली बताओ ना, ऐसे मौसम के अंदर ना अगर हल्की हल्की रिमझिम बारिश भी शुरू हो जाए ना, अब हाँ हाँ हाँ, ये जो ठंडी ठंडी पेड़ों पर आए हैं, पेड़ कैसे हिल रहे हैं। तो भैया ऐसी मतलब ठंडी ठंडी हवा के साथ में अगर हल्की फुल्की बारिश भी हो जाए ना, जैसे रिमझिम रिमझिम बारिश चल जाए ना, तो इतना मज़ा आएगा ना जिसकी कोई हद नहीं, मतलब स्पीचलेस। और वो अपन कहते हैं ना कि एक अनएक्सपेक्टेड वाला सीन, तो वही सब हो जाएगा। तो देखते हैं, बाकी अपनी तो भगवान सुनते नहीं है, उनकी मर्जी होगी तभी बरसेगा, अदरवाइज नहीं बरसेगा। क्या पता बरसे भी नहीं, ये दिखने के हो, ये दिखा के और बोले कि भैया बारिश हुई नहीं, तो देखते हैं क्या रहता है आज का मौसम। बट यार ऐसा मौसम होता है ना और फिर बारिश नहीं होना, तो भाई इतना गंदा फील होता है ना, या तो भगवान ऐसा मौसम करते ही नहीं। अब कराए तो एटलीस्ट थोड़े बहुत तो छींटे बरसा दो यार, जैसे थोड़ा बहुत तो रिलैक्स मिल जाए, जो गर्मी में रिलैक्स हो।
और दिया ऋषभ दोनों अंदर है, वो देखो वो नंगा पुंगा खड़ा है इधर से देख रहा है, फ्रेश हो गया नंगा पुंगा खड़ा है सामने, तभी उसको भी दिखाते हैं, उसको पकड़ते हैं और दिया को भी पकड़ते हैं, दोनों अंदर लगे हुए, यहाँ आ रहा है, आ रहा है नंगू पुंगू आ रहा है, ये देखो यार नंगू पुंगू, और नंगे पुंगे क्या कर रहा है तू है, नंगू पुंगू नंगू पुंगू नंगू पुंगू नंगू पुंगू है हमारा भाई, ये भी तगड़ा कॉमेडियन है। तो देखते हैं अब चलते हैं, जो भी अब देखते हैं आगे का, थोड़ी देर में दोनों को पकड़ते हैं फिर देखते हैं छोटा मोटा आस पास चलते आते हैं, बट अब स्कूल खुल गया ना तो ट्यूशन वाले बच्चे बहुत जाते हुए दिखेंगे, और अब से इनका भी ट्यूशन टीचर आने वाला है, कब से आएगा बहुत दिनों बाद में नहीं, कल परसों से आएगा वो, हाँ तो एग्ज़ाम पूरे होते आ जाएगा वो, उसने मेरे को कल बोला था, मिला था ना वो, तो उल्टे सीधे काम करा लो, अच्छे काम मत कराओ, अच्छे काम कराओगे ना तो फिर तो गुस्सा आएगा, उल्टे सीधे काम तो कितने ही करा लो, हम उल्टे सीधे काम करने में एक्सपर्ट है, क्यों भाई अभी हाथ में लग गया फिर, या सिर में वो घूम के लग गया फिर, मतलब इसको डंडे से ऐसे करके और ऐसे मार रहा है, अगर वो डंडा हाथ से छूट के इसी के सिर पर लग जाए ना तो फिर रोएगा, फिर सब बोलेंगे बोले लग गई लग गई लग गई, तो ऐसे उल्टे सीधे काम करता है ये लोगों, मैं सारे कपड़े खोल दूंगा वीडियो के अंदर, मत जाने मैं कपड़े खोल दूंगा सबके सामने, मानता और नहीं और उल्टी सी हरकत और करता है, देखो अब लग रहा है फिर से, तब इसको हरकतें करने देते हैं, मैं चाचा को बोलता हूँ अंदर जाके, क्या बकवास कर रहा है, ले मैं देता हूँ तेरे को धक्का, बैठ ले, मोटा सेठ दिया तेरा नया नाम, मोटा सेठ दिया यार तेरे नया नया नाम निकल रहे, अब तू बोलेगी नहीं, लो चलो 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 ब्रेकर में घुस नहीं जाता, तो ब्रेकर पे बैलेंस ही नहीं बनाता, तो अब से क्या मेरी डेली शाम की ड्यूटी इसके साथ में रहती है कि इसको साइकिल चलवानी है तरीके से और इसके पीछे पीछे भगना है, ये देखो जब तक इसको ढंग से नहीं चलानी आ जाती, वैसे तो आ गई है वैसे तो आ गई है, बस थोड़ा सा और थोड़ा बहुत और सीख जाए ढंग से, कुछ भी नहीं हुआ, तूने बैलेंस अनबैलेंस कर दिया खुद को जानबूझ के, ले घुमा घुमा वापस घुमा घुमा, ये जितनी साइकिल में चलाता ना उससे ज़्यादा तो नाटक करता है, कभी पैर में लग गई कभी क्या हो गया कभी क्या हो गया, ले नाटक तो इतने जिसकी कोई हद नहीं, क्यों करता है भाई तू इतने नाटक, आपके साथ मज़े भी आते हैं, नाटक करने में आपके साथ मज़े बहुत आते हैं, आपके साथ, अच्छा अभी तुझे पता है क्या हुआ, क्या वो डॉग फेंक गए वहाँ पे, जिंदा 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 है, नहीं नहीं अरे जिंदा था, छोटा सा पप्पी था ब्लैक कलर का छोटा सा पप्पी, तीन चार अभी आज फेंक के गया अभी अभी, तो अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ, दो लड़के थे बाइक के ऊपर, उन्होंने कटे के अंदर एक छोटे से पप्पी को फेंका जिंदा, और जब वो पप्पी बाहर निकला ना हमने आवाज़ भी दी, वो रुके नहीं और चले गए, अभी दिखाऊँ कहाँ पे फेंका था, देख दिखाता हूँ तेरे को कहाँ पे फेंका, मैं नहीं करवा रहा, चला भैया आ रही है, भैया को टक्कर मार दे, वो देख वहाँ पे कहता, देख वो सामने पड़ा कट्टा, देख वहाँ पे कहता, हाँ कहाँ पे कहता, देखो कितना पास में फेंका था, बग गए वो रुके ही नहीं, तो वो कुत्ता अपनी दुकान में घुसा, वहाँ से जैसे उसको फेंका ना वो अपनी दुकान में घुसा इधर आके, मैं उसको बाहर निकालने आया, फिर मैं देखा तो वो लड़के वहाँ रुके कट्टा उठाने के लिए वापस आने लगे, तो इतने में नानी जी चिल्लाए ऊपर से, बोले कट्टा फेंक दिए, देख नानी जी बता रही है, देख पहले इधर छोड़ा था, पहले इधर छोड़ रहे थे, देख ले बड़े बड़े थे, पहले यहाँ फेंक रहे थे इधर, पहले इधर फेंक रहे थे, ऊपर से नानी जी ने देखा फिर वो उधर फेंक के गए,
और जिंदा है बच्चा गली के अंदर ही होगा, कुत्ते का बच्चा भी इधर कहीं घूम रहा होगा ना। अभी जिंदा है इधर गली के अंदर, मैं कहे को फेंकूंगा, मैं कहे को फेंकूंगा भाई, मैं थोड़ी लेके आया उसको, वो तो गली के अंदर चला गया इधर कहीं। अरे ना ना, काला ब्लैक कलर का डॉग है। हाँ तू तू चला, तू पंचायती मत कर, तू साइकिल चला चला। मैं तो नहीं मारूंगा और आप भी नहीं मारोगे। कब तक धक्का मारोगे इसको? ले बैठ, मैं मारता हूँ बैठ, लात मारता हूँ बैठ, तू ही बोला धक्का मारो, मारता हूँ मैं धक्का मारता हूँ। तू साइकिल चलाने के लिए भी दो बंदे चाहिए क्यों? वो बात नहीं है, आज वाले ब्लॉग में मैंने बताया था ना कि एक कुत्ते को उस कट्टे में लाके छोड़ के गए डॉग को, तो वो डॉग ये वाला है, ये देखो ये रहा, और काफ़ी देर से इधर उधर घूम रहा है, इधर उधर घूम रहे जा रहा है काफ़ी देर से। अभी इसको दूध भी रखा था वहाँ पे, मगर है ना ये वापस उधर आ गया। चल जाओ उधर जाके दूध पी ले, जा पी ले भाई, ये ज़बरदस्ती, ये ज़बरदस्ती। तो भाई ये देखो, अब जिसने दूध डाला था ना वो उसके पास चला गया, अभी तेरे पीछे पीछे हो गया, अभी उसको वहीं रख दे दूध, ये तेरे घर में ही जाएगा भाई। तो भाई हमारे अभी ने देखा कि कुत्ता फेंक गया कोई, तो वो अपने अंदर से दूध लेके आया और उसने कटोरी में लाकर वहाँ दूध रख दिया इसके लिए। मगर यार ऐसा नहीं करना चाहिए ना यार, अभी हरकत अच्छी नहीं थी ना यार, ऐसा डॉग नहीं छोड़ के जाना चाहिए ना। तो यार इसको छोड़ गए, अब ये हमारे सिर पे हो गया है एक तरीके से, ये हमारे लिए छोड़ गया इसको, बताओ। चलो खैर कोई नहीं, छोड़ गए, बट अब डर लगा रहेगा यार, दूसरे कुत्ते से खा ना जाए, गाड़ी वाले टक्कर ना मार जाए, छोटा कुत्ता है। चल ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। बाकी यार अच्छा काम किया तूने दूध लाके, तो भाई ये इसने काम किया था दूध वाला, तो अप्रिशिएट करना बनता है यार, अगर कोई अच्छा काम करे तो उसको अप्रिशिएट कर रहा था कि चलो ठीक है अच्छा काम किया। और ये वो डॉग है जिसके साथ में आज इतना गंदा काम हुआ, देख के इतना गंदा लगा ना यार, ऐसे भी कोई करता है क्या, मतलब इतना भी गंदा काम कोई करता है कि अगर आपको कहीं डॉग को छोड़ना ही है तो उसको वैसे नॉर्मली ले जाके छोड़ दो ना, मगर कट्टे में ला के छोड़ के जाना, ये वो भी चलती गाड़ी से गिराना, ये तो गलत बात है ना। वो गाड़ी वाला इतनी स्पीड में था, उसने उस कट्टे को वहाँ पर फेंका है, मतलब रखा नहीं है, फेंक के गया है। यार आप रख ही जाते, अगर आपको इतना वो लग ही रहा था तो उसको रख ही जाते, या फिर आप डॉग पालते ही नहीं, अगर आपकी एबिलिटी नहीं थी, आपकी कैपेसिटी नहीं थी, तो डॉग का आपको पालना ही नहीं चाहिए था। तो भाई मेरा मानना तो ये है, बाकी तो जो लोग जैसा सोचते हो वैसे ही ठीक है। अब ये मेरे पीछे हो गया भाई, चल जा, क्यों डरा रहा है यार, वैसे ही डरा हुआ आदमी हूँ, तो मेरे को भी डर लगा रहेगा रात को ही, अगर यहाँ से अंदर घुस गया ना तो दिक्कत हो जाएगी, कुत्ते रात को परेशान बहुत करते हैं। तो भाई आज के ब्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं ऐसे अच्छे वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।